गार्डन कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी गार्डनिंग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी अपनी गार्डनिंग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ और आजकल क्योंकि मेरे गार्डन में ये खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स खिल रहे हैं तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है मेरे गार्डन में। तो आप भी इन फ्लावर्स को बहुत ही आसानी से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं और बरसात से लेकर स्प्रिंग तक इन फूलों की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं, ऐसे लगता है जैसे इनके फूलों के अंदर से एक तरह की रोशनी बाहर आ रही हो। और ये पॉलिनेटर्स को भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ये ट्यूबुलर फ्लावर्स होते हैं और ऑलमोस्ट ऑल ट्यूबुलर फ्लावर्स अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पॉलिनेटर्स, जैसे आपकी हमिंग बर्ड्स हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, बीज हो गई, तो बहुत अच्छे ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी हैं। तो आप भी ज़रूर इन फ्लावर्स को अपने गार्डन में इंक्लूड करिए और किस तरह आपने इनको ग्रो करना है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो इन प्लांट्स को आप सीड से बहुत ही आसानी से बरसात के मौसम में ग्रो कर सकते हैं और इनको ग्रो करने के लिए आपने कोई स्पेशल पॉटिंग सॉइल भी नहीं बनानी। किसी भी तरह की पॉटिंग सॉइल में ये बहुत ही आसानी से जो है जर्मिनेट हो जाते हैं। मैं तो अपने गार्डन में हर साल इनको हर पॉट में स्प्रिंकल कर देती हूँ या कोई भी पॉट मेरा खाली पड़ा होता है तो उसमें इनके सीड्स, ढेर सारे सीड्स एक साथ डाल देती हूँ। इस बार भी मैंने ऐसे ही किया, एक ग्रो बैग खाली पड़ा था तो उसमें मैंने ढेर सारे इनके मिक्स सीड्स सब डाल दिए और रिजल्ट आप अपने सामने देख ही रहे हैं। बहुत सारे शॉर्ट्स में भी मैंने आपके साथ इनके फ्लावर्स शेयर करे हैं। अभी तक जो है मेरे गार्डन में यानी दो कलर के फ्लावर्स खिले हैं, ये पिंक और एक वो पर्पल जो आपने पहले देखा। तो आप इनको सीड से बहुत ही आसानी से किसी भी तरह की पॉटिंग सॉइल में ग्रो कर सकते हैं और एक बार जब ये प्लांट यानी ये वाइन ग्रो करने लग जाती है देन देयर इज़ नो स्टॉपिंग। आप इसे किसी भी तरह ट्रेन कर सकते हैं, कहीं पर भी चढ़ा सकते हैं, ट्रेलिस बना के इनको आप लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट जब ये फ्लावरिंग पे आ जाता है फ्रेंड्स, और इसको फर्टिलाइज़ करने की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो बिल्कुल भी फर्टिलाइज़ नहीं करती इस प्लांट को, और बस एक ही कंडीशन है इस प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए और थ्राइव करने के लिए, वो है इसकी सॉइल में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए, यानी आपने हमेशा इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखना है। अगर आप इसकी सॉइल को बहुत ज़्यादा ड्राई साइड पर छोड़ देंगे या वाटरिंग करना भूल जाएंगे तो होता क्या है कि इस प्लांट के ऊपर वाइट फ्लाइज़ का बहुत अटैक होने लगता है। तो आपने जो है इसकी पॉटिंग सॉइल को हमेशा मॉइस्ट रखना है, फर्टिलाइज़र ज़्यादा इसको कोई नहीं चाहिए होता। और सनलाइट की अगर मैं बात करूं तो ये मॉर्निंग सन में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, इसको मॉर्निंग सनलाइट अच्छी लगती है, इसी वजह से शायद ये मॉर्निंग ग्लोरी कहा जाता है क्योंकि ये खिलते ही इतने सुबह सुबह है। दिन में जो सबसे पहला फूल खिलता है शायद ये मॉर्निंग ग्लोरी का ही होता होगा और 12 बजे के अंदर तक इनके फ्लावर्स मुरझा जाते हैं। तो सुबह सुबह जब आप अपने गार्डन में जाएंगे तो सबसे पहले फूल आपको इस मौसम में मॉर्निंग ग्लोरी के ही खिलते हुए दिखाई देंगे और बहुत खूबसूरत लगते हैं ये फ्लावर्स। तो फर्टिलाइज़र इनको ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, आपने इनको किसी भी तरह की पॉटिंग सॉइल में लगा देना है। और अगर आप बरसात के मौसम में इन प्लांट्स को लगा देंगे फ्रेंड्स सीड से तो ये जो प्लांट्स हैं ये फ्लावरिंग बहुत अच्छे से अभी करेंगे और स्प्रिंग तक आपको इनकी फ्लावरिंग मिलती रहेगी। स्प्रिंग सीजन तक ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और जैसे ही गर्मियाँ तेज़ होने लगते हैं या होने लगती है तब ये प्लांट अपने आप से विल्ट होने लगता है और ख़त्म हो जाता है। तो आप भी ज़रूर इस प्लांट को अपने गार्डन में ग्रो करिए फ्रेंड्स, और जिस तरह मैं अपने गार्डन को एंजॉय कर रही हूँ इनके फूलों के साथ आप भी करिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।